सिंधु नदी तंत्र खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में निकलने वाली सबसे लंबी हिमालयी नदी, साथ ही साथ माता का दर्जा इसे दिया गया है। गंगा बचाओ अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। गंगा को साफ करने के कई सारे मुहिम जो है सरकार के द्वारा वो उठाए जा रहे हैं। तो आज इसी गंगा के बारे में हम जानते हैं कि आखिर गंगा नदी निकलती कहाँ से है और अंत में ये जाकर मिलती कहाँ पर है और उसके बीच में क्या क्या रुकावटें, बाधाएं या फिर कौन कौन सी नदियां यहाँ पर आकर के मिलती हैं। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर गंगा नदी तंत्र जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके बाद से आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के सारे लेक्चर या फिर इसके पहले के सारे लेक्चर देखने हैं तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर इसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, डले हुए हैं, आप सभी जाकर देख सकते हैं और उसके बाद आप गंगा नदी तंत्र देखेंगे तभी आपको जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी गंगा नाम से नहीं निकलती है, क्या आपने कभी सुना है? जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने बेशक सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ा हैरानी हो रही होगी। बिल्कुल सही बात है, ये गंगा नदी गंगा नाम से नहीं निकलती है। ये हमारे भारत का मैप है, चूंकि ये हिमालयी नदी है तो ये भारत का जो उत्तरी पोर्शन है, जो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला केवल हमने बनाया है। अब आप इसे भूल जाएंगे, इसे कुछ देर के लिए आप नहीं देखेंगे, इसकी जगह आप देखेंगे इसे, इस डायग्राम को देखेंगे और ये डायग्राम आप ऐसा मानेंगे कि ये डायग्राम है उत्तराखंड का। ये है उत्तराखंड और इस उत्तराखंड को हमने ले जाकर यहाँ पर फिक्स कर दिया है और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको गंगा नदी का सारा जो माया जाल है वो समझ में आ जाएगा। चलिए, जो गंगा नदी है, पहली बात तो आपने ये समझ ली कि गंगा नदी गंगा के नाम से निकलती ही नहीं है, तो फिर किस नाम से निकलती है? गंगा नदी कई सारी नदियों का मिश्रण है। मिश्रण समझ रहे हैं? बहुत सारी नदियां मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। स्पेशली अगर बात की जाए तो दो नदियां मिलती हैं, वह दो नदियां मिलने, उन दो नदियों के मिलने के बाद उन दोनों नदियों का नाम पड़ जाता है गंगा। उन दो नदियों का नाम है, पहला है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। जो लोग उत्तराखंड दर्शन करने गए होंगे या फिर बुक्स में पढ़ा होगा उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा ये सारी चीजें। तो एक भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो कहलाती है गंगा। ये मिलती कहाँ है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर के गंगा नाम से फिर आगे प्रवाहित होती है। अब ये भागीरथी और अलकनंदा कहां से निकलती है, ये देखिए डायग्राम को अपने माइंड में छाप लीजिए तो आपको कभी भी रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भागीरथी नदी है, जैसा कि मैंने बताया कि आप ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा जो ये डायग्राम है ये है उत्तराखंड। तो जो ये भागीरथी नदी है ये कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड में एक जिला है, नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में है गोमुख और गोमुख के निकट है एक गंगोत्री ग्लेशियर। हिंदी में ग्लेशियर को हिमानी भी कहते हैं, तो गंगोत्री हिमानी भी आपको मिल सकता है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है एक गोमुख, गोमुख के निकट है गंगोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है भागीरथी नदी। समझ गए, याद हो गया? भागीरथी नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निकट या उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। निकल करके यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और रास्ते में, अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो नदी की दिशा है वो ऐसी है ना, ऐसी है दिशा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये साइड है वही नदी का लेफ्ट साइड होगा, मेरा जो लेफ्ट साइड है वो नदी का भी लेफ्ट साइड होगा, जो मेरा राइट साइड है वो नदी का भी राइट साइड होगा। आई होप आपको इतना समझ में आता होगा कि नदी का दाहिना या बाया जो तट है या भाग है वो क्या कहलाता है। तो जो भागीरथी नदी है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के क्रम में बाएं तट से आकर के उससे एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है भीलांगना।
भिलांगना नदी मिलती है और इन दोनों के मिलन स्थल पर एक बांध बनाया गया है जिसका की नाम है टिहरी बांध। अगर सुना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं सुना है तो अब सुन लेंगे। जब हम परियोजनाएं पढ़ेंगे तो आप टिहरी बांध के बारे में भी पढ़ोगे, तो अभी से याद कर लीजिए टिहरी बांध किन नदियों पर बनाया गया है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। अब बाएं साइड से आकर के मिलती है भिलांगना और फिर से ये दक्षिण की ओर, भिलांगना के साथ दक्षिण की ओर फिर से प्रवाहित होने लगती है। अभी इसको जो भागीरथी नदी है इसको यहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं, चलते हैं अलकनंदा की ओर। जो अलकनंदा नदी है यहां पर आपको दिख रहा है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कह सकते हैं एक तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है हिंदुओं का। तो बद्रीनाथ के पास है एक सतोपंत ग्लेशियर या सतोपंत हिमानी, यहां से निकलती है अलकनंदा नदी। तो गोमुख से या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, चाहे तो लिख सकते हैं, और उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ के निकट सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, क्लियर। अब ये जो अलकनंदा नदी है ये निकल करके अपने उद्गम स्थल से निकल करके आगे प्रवाहित होती है और यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से उत्तर की ओर से आ रही है एक छोटी नदी है, धौली गंगा नाम है। नाम के लिए छोटी है लेकिन एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर की ओर से आ रही है धौली गंगा नदी जो छोटी नदी मानी जाती है और ये नदी आकर के अलकनंदा नदी के बाई ओर से या अलकनंदा नदी के बाएं तट से आकर के मिल जाती है। अब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान रखिएगा कि जो विष्णुप्रयाग है या जो जोशीमठ है ये किन दो नदियों के मिलन स्थल पर बना हुआ ये स्थित है, या ये जो स्थल है ये किन दो नदियों का मिलन स्थल है। ओके, तो ध्यान रखेंगे यहां से निकली भागीरथी और यहां से निकली शतोपत हिमानी से बद्रीनाथ से निकली है, बद्रीनाथ के पास से निकली है अलकनंदा नदी और ये प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के क्रम में इसके बाएं तट से आकर के एक छोटी नदी धौली गंगा आकर के मिल जाती है और यह जो स्थल है ये क्या कहलाता है, विष्णुप्रयाग कहलाता है। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कई सारे लोग, कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स रटते हैं एग्जाम में और रटने के आलम एग्जाम तक तो चलिए फिर भी ठीक है, याद रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से भूल जाते हैं और अगर कोई पूछता है तो हमें बस ये याद आता है कि हमने कहीं पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रटे बिल्कुल भी नहीं, रटी हुई चीजें कभी भी याद नहीं रहती। तो आपने क्या यहाँ पर देखा, अलकनंदा और धौली गंगा ये दोनों नदियां कहां पर मिल रही हैं, विष्णुप्रयाग में। तो हम लिख लेते हैं, तो विष्णुप्रयाग किन दो नदियों का मिलन स्थल है, विष्णुप्रयाग है अलकनंदा प्लस धौली गंगा, क्लियर। चलिए आई होप आपको याद हो गया होगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। अब ये अलकनंदा नदी अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ती है, मतलब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, धौली गंगा के साथ मिल गई, अब ये फिर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ये यहां से देखिए विष्णुप्रयाग से अब ये आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के क्रम में पुनः बाएं तट से एक छोटी नदी मिलती है जिसका की नाम है पिंडार नदी। देखिए ये अलकनंदा नदी आ रही है और उसके बाएं तट से फिर से एक नदी मिल रही है जिसका की नाम है पिंडार नदी और ये कहां पर मिल रही है, तो ये मिल रही है कर्णप्रयाग में। मतलब कर्णप्रयाग किन दो नदियों का मिलन स्थल है, तो कर्णप्रयाग है पहली तो अलकनंदा जो कि आ रही है ऑलरेडी और दूसरी अलकनंदा के बाएं तट से मिलने वाली पिंडार नदी। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन स्थल है कर्णप्रयाग। ओके, अब ये हो गया, अब पिंडार नदी भी इसमें मिल गई, अब फिर भी अलकनंदा ही कही जाएगी, अभी उसका नाम चेंज नहीं होने वाला। अब ये अलकनंदा फिर से कहां से, कर्णप्रयाग से फिर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होगी और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के क्रम में कुछ और दूरी पर दाएं तट से एक नदी आकर के मिल जा रही है। ये देखिए
अभी बाएं तट से मिली पिंडार नदी फिर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है और दाएं तट से फिर से एक नदी आकर के मिल जा रही है और उस नदी का नाम है मंदाकिनी। और ये मिल कहां पर रही है, तो ये मिल रही है रुद्रप्रयाग में। मैप के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपके माइंड से वो चीजें बहुत रेयर है कि जाएंगी, बस रिवाइज करते रहिएगा टाइम टाइम पर। तो रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का मिलन स्थल है, अलकनंदा का और मंदाकिनी का। तो रुद्रप्रयाग भी लिख लेते हैं, रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, क्लियर है। तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा, क्लियर। अब देखिए, अब ये मंदाकिनी मिल गई, फिर भी अलकनंदा के ही नाम से ये फिर से दक्षिण में आएगी, दक्षिण की ओर प्रवाहित होगी और प्रवाहित होने के क्रम में जहां पर हमने भागीरथी को रोक दिया था वहां पर आकर के ये भागीरथी से मिल जाएगी। और ये जो स्थान है ये कहलाता है देवप्रयाग, मतलब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलती हैं। और देवप्रयाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों अभी बताती हूं। तो देवप्रयाग इन दो नदियों का मिलन स्थल है भागीरथी प्लस अलकनंदा, क्लियर हो गया। आई होप आप कभी नहीं भूलोगे। तो देवप्रयाग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बाकी सारे हैं पढ़ने आपको सारे हैं, लेकिन इन सब में से ज्यादा देवप्रयाग इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो है, इसलिए है क्योंकि भागीरथी और इधर से आ रही अलकनंदा ये दोनों मिल रही है और मिल करके एक हो जा रही है और नाम पड़ रहा है अब इसका गंगा। अब ये भागीरथी भागीरथी नहीं रही, अलकनंदा अलकनंदा नहीं रही, भागीरथी और अलकनंदा मिल चुकी है और इनका नाम हो चुका है गंगा। इस कारण से देवप्रयाग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इंपॉर्टेंट भी है, क्लियर। अब ये गंगा नदी दक्षिण की ओर सबसे पहले तो ये एक मिनट अब ये गंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होगी। अभी देखिए उत्तराखंड मतलब कि पूरा हिमालयी रीजन, पूरा पर्वतीय क्षेत्र, अभी तक जो नदी है ये सारी नदियां पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है, दक्षिण में आकर के गंगा अभी पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है। जैसे ही गंगा हरिद्वार के पास पहुंचेगी वो मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि गंगा किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पूरे पहाड़ों से गुजर करके जब हरिद्वार पहुंचती है तो वहां पर ऐसी स्थलाकृति ही है वहां की कि वो पहाड़ों से डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाती है, मैदानों में पहुंच जाती है। तो अब यहां से सब क्रॉस करके ये हरिद्वार से होते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और पहले तो ये दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के बाद ये दक्षिण पूर्व की ओर, सॉरी हाँ जी, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होगी और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने के बाद ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर और आगे फिर मिल जाएगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि गंगा नदी किस नाम से निकलती है, किन दो नदियों को के सम्मिलित रूप को गंगा नदी कहा जाता है, किस क्षेत्र में ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं, और ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। जिन्हें पता होंगी उन्हें ये लग रहा होगा कि मैम आप बार बार इन चीजों में जोर क्यों दे रहे हो, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें पता नहीं होती है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए, तो मैंने बोला था कि अभी इस मैप को छोड़ करके और इस डायग्राम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब डायग्राम को छोड़कर अब आप आ जाइए मैप पर। मैप पर आइए। अब ये जो पूरा क्रियाकलाप हो रहा था, ये जो पूरी कहानियां थी, ये कहानियां सिर्फ यहां की हैं, सिर्फ यहां की है। हरिद्वार के बाद आने के क्रम में फिर ये यूपी और बिहार होते हुए फिर आगे बढ़ जाती है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी वो स्टोरी थी यहाँ की। अब उत्तराखंड से आगे की क्या क्या स्टोरी है हम इस मैप के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, और उसके बगल में है बिहार, और ये है झारखंड, और ये है मध्य प्रदेश का कुछ एरिया,
ये मुख्य नदी जो है गंगा नदी, ये मध्य प्रदेश में नहीं आती है, लेकिन उसकी सहायक नदियां बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, सहायक और बड़ी नदियां हैं जो कि गंगा नदी में मिल जाती हैं। फिर झारखंड है और पश्चिम बंगाल है और फिर उधर बांग्लादेश है ना। तो इसमें अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप मैप रख सकते हैं अपने सामने। तो ये उत्तराखंड से गंगा नदी दक्षिण की ओर बहती हुई जब यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहने के पश्चात ये जो अपनी दिशा है ये पूरी तरह से पूर्व कर लेती है। पूर्व में करने के बाद, उत्तर प्रदेश में बहने के बाद, ये पहुंचती है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ये दो वितरिकाओं में विभाजित होती है। वितरिका क्या होती है यहां पर पहले ये समझा देती हूं। माना कि ये कोई मुख्य नदी है, प्रवाहित हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मुख्य नदी है इससे एक छोटी धारा अलग हो करके और बाहर मतलब या दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। और ऐसा होता है कि प्रवाहित होने के बाद ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ ये जो वितरिका है या फिर ये जो धारा है ये मुख्य नदी में मिले। ये धारा मुख्य नदी में कभी नहीं मिलती है। तो ऐसी धारा को क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। और ये क्या है? मुख्य नदी है। तो समझ में आ गया। तो गंगा का भी यही होता है। गंगा आगे चलकर वितरिका, दो वितरिकाओं या कह सकते हैं वितरिका में विभाजित हो जाती है। यह जो इसकी वितरिका है इसको कहा जाता है हुगली। और फिर ये आगे जो मुख्य नदी है ये भागीरथी नाम से फिर से आगे बढ़ जाती है, फिर से गंगा ये नहीं कही जाती है। तो ये तो हम आगे देखेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब गंगा यमुना सरस्वती का नाम सुना होगा। गंगा यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है ना। तो यमुना नदी जो है ये निकलती कहां से है ये भी देख लेते हैं। बाकी तो हम लॉन्ग में या फिर डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां पर देख लेते हैं। गंगा नदी भी उत्तराखंड से निकल रही है और यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी के ही नाम से निकलती है। और निकल करके ये पहले गंगा नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है और फिर जब ये आगे बढ़ती है, देखिए यहां पर ये तो गंगा नदी के दक्षिण में प्रवाहित होकर के प्रयागराज, पहले जिसे इलाहाबाद कहा जाता था अभी प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज में जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये समझ में आ गया। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और निकल करके ये पहले गंगा के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, आगे जाके गंगा के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहां पर ये क्यों बनाया है? यहां पर इसलिए बनाया है कि भले ये नदियां डायरेक्ट गंगा में जाकर के नहीं मिल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जल जाकर के गंगा में मिल जा रहा है। वो कैसे? चंबल नदी मध्य प्रदेश की बड़ी नदी है और महत्वपूर्ण नदी है। तो चंबल नदी इंदौर के महू से निकलती है, निकल करके ये पहले राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद ये पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश के बाद जाकर के ये उत्तर प्रदेश में एक इटावा है, इटावा नामक स्थान पर ये यमुना नदी से मिल जाती है और फिर ये यमुना नदी जो है बाद में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। चूंकि हम ये तंत्र पढ़ रहे हैं तो सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें सारी नदियों को देखना होगा। ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश की नदी है, हम सारी नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश पहुंचती है और जाकर के यमुना में मिल जाती है। ये है सोन नदी। सोन नदी भी मध्य प्रदेश की नदी है, प्रमुख नदी है और ये निकलती है अमरकंटक के पहाड़ों से, अमरकंटक पठार से निकलती है और यहां से निकल करके ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद ये जाती है बिहार और बिहार में पटना के निकट ये डायरेक्ट गंगा से मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश की सोन नदी ऐसी नदी है जो कि डायरेक्ट गंगा से मिल जाती है, कहां पर? बिहार के पटना के निकट। तो ये तो हो गई गंगा नदी से दाएं तट पे मिलने वाली प्रमुख नदियां। अब हम आते हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियों से। तो ये है शारदा नदी। अब ये शारदा नदी कहां से निकलती है, घाघरा नदी कहां से निकलती है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये रही शारदा नदी। शारदा नदी जाकर के घाघरा नदी से मिलती है और घाघरा नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है। आगे आएंगे तो ये है बिहार। बिहार में ये है गंडक नदी, सॉरी ये है यूपी, सॉरी नहीं नहीं बिहार ये, और गंडक नदी। गंडक नदी भी गंगा से बाएं तट पर मिल जाती है, यह गंगा की सहायक नदी मानी जाती है।
ये है कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है, हमेशा बाढ़ आती रहती है इससे। तो कोसी नदी भी गंगा की ही सहायक नदी है और ये बाएं तट पर आकर के मिल जाती है। उसके आगे मिलती है महानंदा नदी, हो सके तो याद रखिएगा, बाकी पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। ये है महानंदा नदी, महानंदा नदी भी आकर के बाएं तट से गंगा में मिल जाती है। तो इन सभी नदियों का जल लेते हुए गंगा नदी पहुंचती है आगे और ये जाती है कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जब ये नदी पूर्व की ओर बहते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, आप अगर देख पा रहे हैं यहां पर, तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के पश्चात ये दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो इसकी एक वितरिका है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है और जो इसकी दूसरी जो मुख्य धारा है ये पूर्व की ओर या कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। जो इसकी एक वितरिका अलग हो जाती, अब यहां से गंगा नदी गंगा के नाम से नहीं बहती फिर से पश्चिम बंगाल से, क्योंकि ये दो भागों में विभाजित हो गई है पुनः। यह जो इसकी वितरिका है ये इसका नाम है हुगली, इसे कहा जाता है हुगली। जैसे ही ये अलग होती है इसे कहा जाता है हुगली। और ये जो मुख्य धारा है ये मुख्य धारा जा करके बांग्लादेश में बहने लगती है और बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पद्मा। पद्मा जब मेघना से मिल जाती है, सॉरी पद्मा जब जमुना से मिल जाती है, जमुना ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जब पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो ये कहलाती है मेघना और मेघना के नाम से ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब गंगा के नाम से नहीं गिरती और बांग्लादेश में भी ये पद्मा के नाम से जानी जाती है और गिरने से पहले ये मेघना के नाम से जानी जाती है। अब ये जो मुख्य यहाँ वितरिका अलग हुई थी जिसका की नाम था हुगली, हुगली में झारखंड से निकलने वाली छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी दामोदर नदी आकर के मिलती है। मतलब हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है दामोदर। दामोदर नदी मिलती है आकर के हुगली में और हुगली नदी जो है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गिरती दोनों बंगाल की ही खाड़ी में है लेकिन यहां से ही अपने अपने रास्ते अलग कर देती है। तो हमने देखा कि गंगा निकल कहां से रही है, किन किन नामों से निकल रही है, कहां पर इसे गंगा कहा जाता है, कहां पर इसे किसी और नाम से पुकारा जाता है, कहां पर ये मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है, मैदानी भागों के पश्चात ये किन किन राज्यों से होकर के बह रही है और बहने के पश्चात ये पहले दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और फिर पूर्व की ओर बह करके पश्चिम बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल में दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी जो मुख्य धारा है ये भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पद्मा। पद्मा नदी से जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो इसका नाम होता है मेघना और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो एक वितरिका रहती है बस्ती है उसका नाम है हुगली। हुगली दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये दामोदर नदी आकर के हुगली में मिलती है और ये हुगली नदी भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से गंगा का अंत हो जाता है, शुरुआत यहां से होती है, गंगा का अंत यहां से होता है। अब इसके बीच में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है, कौन कौन से राज्यों में क्या क्या प्रमुख बातें हैं, कहा जाता है गंगा यमुना का दोआब बहुत ही ज्यादा फसल वाला क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो वो सब चीजें जो है इस लेक्चर में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम आपको इससे जुड़े हुए सारे तथ्य बताएंगे, इसकी सारी परियोजनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कहाँ, प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है और उनकी क्या क्या खास विशेषता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।